सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल eduentainment। सो स्टूडेंट्स आज जो हम टॉपिक करने वाले हुए हैं मैट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप पूरा वीडियो देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, तो हमारे चैनल और ग्रो करेगा। तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चल शुरू करते हैं थोड़ा जोश के साथ। How is the Josh? Hi sir. How is the Josh? Hi sir. I said, how is the Josh? Hi sir. So students, method of cross multiplication एक बहुत अच्छा तीसरा method है। ये हमारे pair of linear equation को solve करने का ये third method है और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा method है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं substitution method के। आप नहीं चाहते कि आप elimination method को इस्तेमाल करें या substitution method को इस्तेमाल करें तो ये method को जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दिखने में हार्ड लग सकता है पर ये करने में बहुत ईजी है। आपको ये जरूर ये ट्राई करना चाहिए। यही आपको मेरे हिसाब से एग्जाम में अगर को नहीं दिया है कि आपको कौन सी मेथड यूज करनी है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो जरूर इस्तेमाल करना, क्योंकि इजी भी है और आसान भी रहता है काम करने के लिए। तो शुरू करते हैं हम। क्या है इसमें, दो इक्वेशन ले लेते हैं तो आराम से समझ में आ जाएगा। 3x plus 2y equals to 4 and 9x plus 7y equals to 8। ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको गिवन है। हमको इसको कैसे सॉल्व करना है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए पहले हमको क्या करना है कि ये जो x के कोएफिशिएंट्स है, y के कोएफिशिएंट्स है ये, और ये जो कांस्टेंट है, पहले तो सबसे पहला काम कि ये कांस्टेंट को जो इक्वल्स टू के इस साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। ये पहला काम आपको करना है इस मेथड को सॉल्व करने के लिए। तो 3x plus 2y minus 4 equals to 0 और 9x plus 7y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये काम आपको पहले करना है मैटर ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के लिए। दूसरा आपको काम क्या करना है कि आपको ये जो कोएफिशिएंट्स है इसको लिख लेना है। देख लो ये कोएफिशिएंट को हम a बोलेंगे, a, y वाले कोएफिशिएंट्स को हम b बोलेंगे और ये को हम c बोलेंगे। इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू दो इक्वेशन है तो फिर से लिख लेता हूं a b एंड c। अब क्या करना है कि ये लिख लेना है x का पहला a क्या है, हमारा a की वैल्यू क्या है 3 है, y का कोएफिशिएंट पहले इक्वेशन में क्या है 2 और c क्या है माइनस 4। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये यही रखते हैं आप इक्वेशन तो आप 4 लिख लेते हैं, ये रॉन्ग हो जाता है, ये असली में माइनस 4 है। ओके ये भी लिख लो 9 7 और माइनस 8। अभी ध्यान से मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां पर लिख लो, पर ये x के कोएफिशिएंट्स है, ये y के कोएफिशिएंट्स है और ये कांस्टेंट 1 के कोएफिशिएंट्स है। ऐसा आप टेबल बना लो, ठीक है। अब ये मेथड का नाम क्या है, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपको असल में करना क्या है कि ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ये जो नंबर्स है उसके बीच में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यही इसलिए इस मेथड का नाम क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अभी इसको रब कर लेते हैं ऊपर वाले इक्वेशन को। अब इक्वेशन को लिखना है सर, x अपॉन इक्वल्स टू y अपॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन, ऐसा आपको कर लेना है। ये एक सॉल्व करने का तरीका है। पहला क्या है कि x, तो क्या करो कि x को छुपा लो, x को जो ये आप मानो ये है ही नहीं, ऐसा मानो इसको आप हाथ से भी छुपा सकते हो, ऐसा मैं छुपाने को बोल रहा हूं। तो फिर हमको क्या विजिबल होगा, ये बी बी और ये सी सी। अभी क्या कर लेना है कि ये जो b ये हमारी है 2 क्रॉस बाय 8 माइनस 8, ये लिख लो 2 इंटू माइनस 8 पहला क्रॉस, फिर माइनस 7 इंटू माइनस 4, ठीक है। अब यहां पे अब हमको क्या है y, तो y को छुपा लो। अब हमको क्या विजिबल होगा, ये रब कर लेते हैं, ये x का कोएफिशिएंट्स विजिबल है और इवन के कोएफिशिएंट्स विजिबल है। अभी क्या करो, इन दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहला 3 इंटू माइनस 8 माइनस ऑफ, ये माइनस बीच में लगाना है आपको, 9 इंटू माइनस 4, ठीक है। अभी क्या है 1, तो 1 को छुपा लो, तो हमको क्या विजिबल हो गया, ये x के कोएफिशिएंट विजिबल है और y के कोएफिशिएंट्स विजिबल है। तो 3 इंटू 7 पहला हमको यहां से यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहां से यहां तो 3 इंटू 7 माइनस ऑफ 9 इंटू 2।
अभी ये तो हमने ये पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए हमने ये बनाया, अब हमको जनरल फॉर्मूला बनाना है। जनरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? अब मैं क्या कर रहा हूं कि ए बी सी, ये पहला इक्वेशन, अब यहां से ये सारे कोफिशिएंट हटा रहा हूं मैं, इसको मैंने ए वन बोल दिया, इसको मैंने बी वन बोल दिया, इसको मैंने सी वन बोल दिया, इसको मैंने ए टू बोल दिया, इसको मैंने बी टू बोल दिया, इसको मैंने सी टू बोल दिया, ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया। तो यहां पे भी ए वन आ जाएगा, बी वन आ जाएगा और सी वन आ जाएगा, ए टू आ जाएगा, बी टू आ जाएगा, सी टू आ जाएगा। अभी क्या है हमको, पहले हमको x को छुपा लेना है, x है ना, तो यहाँ पे ये हमारा ये पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए था, अब मैं जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं। तो क्या हो रहा है, ए वन इंटू सॉरी x को तो हमको छुपा लेना है, x छुप गए, तो बी वन इंटू सी टू, बी वन इंटू सी टू माइनस ऑफ बी टू इंटू सी वन। देखो हमारा अब जनरल फॉर्मूला हो रहा है यहाँ पे। अब y को हम छुपा लेंगे तो हमको क्या विजिबल है, ए वन ए टू और सी वन सी टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए वन इंटू सी टू, ए वन इंटू सी टू माइनस ए टू इंटू सी वन, ठीक है। अब हमको क्या करना है, वन तो सी को हमने छुपा लिया तो हमको क्या विजिबल है, ए वन ए टू और बी वन बी टू, तो थ्री इंटू सेवन सॉरी थ्री इंटू सेवन सॉरी सॉरी थ्री ए वन इंटू बी टू, ए वन इंटू B2 माइनस ऑफ A2 इंटू बी वन, ए टू इंटू बी वन, ठीक है। तो हमने बना लिया, मैं माफी चाहूंगा थोड़े बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, माफी चाहूंगा मैं। तो हम देखो आप करते करते हमारा जनरल फॉर्मूला भी तैयार हो गया, अब इसको याद कैसे रखें वो भी तो एक प्रॉब्लम है ना। तो ये पहले क्या कर लो कि x के नीचे क्या आएगा कि BC BC आएगा, BC माइनस BC, ठीक है। y के नीचे क्या आएगा कि ac माइनस ac, और 1 के नीचे क्या आएगा ab माइनस ab, ये याद रख लो। और फिर क्या कर लो, 1 2 1 2 पुट कर लो, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, देखो तो ऐसे याद रख सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं करना आपको, दो इक्वेशन लिखने, ये टेबल फॉर्म कीजिए, पहले x अपॉन x को छुपा लीजिए और ये दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y अपॉन तो y को छुपा लीजिए, ये दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वन को छुपा लीजिए, ये दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ऐसे मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला याद रखने से अच्छा है कि आप ये टेबल बनाओ और टेबल को पहले एक्स को छुपाओ ये दोनों, फिर वाई को छुपाओ ये दोनों, फिर वन को छुपाओ ये दोनों। अब ऐसे करेंगे तो आपका फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं होगी, अब बहुत फास्ट और बहुत इजी तरीके से आप ऐसे दो पैरेलल इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। अभी इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, आगे क्या करना है हमको को रब कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो x अपॉन 2 इंटू माइनस 8 क्या होगा, माइनस 16, माइनस ऑफ माइनस है तो यहां पे प्लस आ जाएगा, 7 इंटू 4 28, ठीक है, 7 4 जा 28, y अपॉन 3 8 जा माइनस 24, माइनस 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 4 जा 36, ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 7 जा 21, ठीक है, माइनस हाँ माइनस 9 2 जा 18। अब क्या करो, देयरफॉर x अपॉन, अब माइनस 16 प्लस 28 मतलब 28 माइनस 16 हो जाएगा, ठीक है, 28 माइनस 16 क्या होता है 12, y अपॉन ये भी देखो माइनस 24 प्लस 36 क्या होगा, 36 माइनस 24 12 अपॉन 1 अपॉन, अब ये क्या होगा 21 माइनस 18, क्या अब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को कंपेयर कर लो, तो क्या होगा x by 12 equals to 1 by 3, ठीक है, और हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y by 12 equals to 1 by 3 और x equals to 4 और y equals to 4। अब देखना है कि ये सही है कि नहीं, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन में आपको वैल्यू जीरो मिलनी चाहिए। तो ये है बेसिकली मैटर ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, आप लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपको मेरा बोलने का था और सब और आपको सब अच्छा लगता है, जो मैं एक्स्ट्रास भी मैं जो वीडियो बना तो नोटेड वाले वीडियो को भी मुझे बहुत तारीफ मिली, फिर उसके बाद मैंने जो विल्सन के ऊपर बनाया जो हमारा सिनेमेटिक वीडियो बनाया, तो अब ऐसे में ओवरऑल मेरा एक चैनल में डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब एलिमेंट्स हो,
एडू भी हो तो एंटेन भी हो। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।